बाजों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में पत्थर बाजों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रवादियों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रवादियों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी, हाय हाय। बीजेपी, हाय हाय। बीजेपी सरकार, हाय हाय। गठबंधन सरकार, हाय हाय। राज्य सरकार, हाय हाय। कश्मीर में तिरंगा फहराने वाले राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में तिरंगा फहराने वाले राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी आतंकवादियों के सामने घुटने टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी अलगाववादियों के सामने घुटने टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में तिरंगा लहराने वाले राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में तिरंगा फहराने वाले राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रवादियों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रवादियों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर में तिरंगा फहराने वाले राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीर में तिरंगा फहराने वालों को गिरफ्तार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यार थोड़ा यार पढ़ा हो वो वाला लोगों को इधर आ तू यार, किधर आऊं, इधर आऊं, छाड़ दे यार। चलो हाँ जी सर, ये प्रोटेस्ट आपने किस लिए किया आज? देखिए जिस तरीके से कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्वों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राष्ट्रवादी लोगों को अपमान किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, उसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। जो पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में फहराते हैं उनको खुली छूट है और जो हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। आज बीजेपी और पीडीपी सरकार में जिस तरीके से अलगाववादियों का, आतंकवादियों का तुष्टीकरण हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस तरीके से नेशनलिस्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। जिस तरीके से दो दिन पहले कुछ राष्ट्रवादी लोगों द्वारा लाल चौक में झंडा फहराए जाने पर उनको गिरफ्तार किया जाना भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को जो है वो पूरी तरीके से जहां एक्सपोज करता है, वहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इससे पहले भी देखा गया कि एक महिला द्वारा जब लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे लगाए गए, हिंदुस्तान के नारे लगाए गए, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई जो है वो की गई। इसी तरीके से एनआईटी के अंदर राष्ट्रद्रोहियों ने जब पाकिस्तान का झंडा फहराया तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहां के जो विद्यार्थी जो हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले थे उनके खिलाफ जो है पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है उनको भी प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। हम इस किस्म के रवैये की कड़ी मुजम्मत करते हैं और जिस तरीके से आप अलगाववादियों को वहां लगातार एनकरेज कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, पैंथर्स पार्टी इसकी कड़ी मुजम्मत करती है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के लोगों को जवाब देना होगा कि आपने जो बड़े बड़े वादे किए जीरो टॉलरेंस के, अलगाववाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आज आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और हिंदुस्तान के लोगों को आपको जो है वो जवाब देना होगा कि आपका कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है।